ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं YouTube का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं किया। कल के वीलॉग के अंदर स्टॉप लॉस दिया गया था 44,800 का लेवल, कि मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट ने आपने मंदी करनी है, अदरवाइज मार्केट का व्यू तेजी का है और मार्केट में उन स्टॉक्स के अंदर आपने उन सेक्टर्स में नजर रखनी है जो सेक्टर्स आपका परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर आपका परफॉर्म कर सकता है, स्टील सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर्स परफॉर्म कर सकती है। जो शॉर्ट चली थी जिनकी, उनको ये बताया गया था कि स्टील में सीमेंट में इनमें शॉर्ट सेल में ना रहे क्योंकि ये रिबाउंड कर सकते हैं। आज हमने यही देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट तकरीबन सारा दिन ही प्लस रही और 356 पॉइंट प्लस तक गई मैक्सिमम। 45,451 का मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया और 45,398 के लिए मार्केट क्लोज रही 303 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स भी जो कल से काफी बेहतर रहे, 243 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और कल तक, और जो आज वॉल्यूम है 464 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हुए। इसके अलावा वॉल्यूम टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें WTL, BOP, के इलेक्ट्रिक, टेलीकार्ड, यूनिटी, ये टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स अगर हम देखें तो सफायर फाइबर, अल्लाहाबाद शुगर, सीमेंट्स टॉप गेनर, टॉप डिक्लाइनर में कॉलगेट पाम ऑलिव, नेस्ले, रिफाइंड मिल्स, पाक टोबैको यानी कि टॉप डिक्लाइनर रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज ऑयल एंड गैस सबसे टॉप पे रहा 98 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, तमाम सेक्टर्स में हमने बुलिश ट्रेंड देखा। इस बुलिश ट्रेंड के होने की एक वजह भी थी जो हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो केमिकल, टोबैको, इनमें हमने यानी कि गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर जैसे नजर डालें तो आज डॉलर में वंस अगेन थोड़ा सा इजाफा हुआ और पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ और इसके अलावा 285.15 पैसे के करीब ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके साथ ही आज के हवाले से कुछ न्यूज इस तरह की थी कि ECC ने यानी कि ECC की आज मीटिंग हुई और काफी चीजों की जो है वो अप्रूवल दी, जो कि फूड सेक्टर के हवाले से भी था, पेट्रोलियम हवाले से भी था, तो ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन था। इसके अलावा बंदरगाह पे जो फंसे 6,000 कंटेनर थे उसमें से 2,500 कंटेनर क्लियर हो चुके हैं, यही वजह थी जिसकी वजह से डॉलर आपका मुसलसल 2-4 दिन से हम देख रहे थे जो बढ़ रहा था, उसमें से तकरीबन देखा जाए तो 2,500 क्लियर हो चुके हैं, अब 3,500 कंटेनर यानी बाकी रह गए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान बैंक हैव टू मैनेज डॉलर फ्रॉम इम्पोर्ट, यानी कि पाकिस्तान के जो बैंक है वो मैनेज करेंगे डॉलर यानी कि इम्पोर्ट को मैनेज करेंगे। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो KICT 11,000 और यानी कि देखा जाए तो काफ़ी कंटेनर क्लियर हुए हैं। अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेट की शिप 4C को भी गैर आइनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आइनी करार दे दिया। ये वो न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड था और मार्केट में हमने चीजों में ऊपर के लॉक देखे क्योंकि सुपर टैक्स जो कलेक्ट किया जा रहा था वो गैर आइनी था। इसके अलावा वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम ने गैस महंगी होने की खबरों को तस्दीक कर दी है, जबकि अदालत ने हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स इकट्ठा करना गैर कानूनी करार दे दिया। इस न्यूज के बाईस हमने देखा कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये वो बिग न्यूज थी, बड़ी न्यूज थी जिसने आज मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड को मेंटेन करवाया और सारे आइटम तकरीबन परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम देखें तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है इस वक्त अगर देखा जाए तो 75 यानी कि डॉलर के पास ट्रेड कर रहा है, $75.50 के पास, और क्रूड ऑयल मुसलसल अगर देखें कल थोड़ा हायर पे जाके डिक्लाइन हुआ है और मजीद इसमें हम गिरावट देख सकते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर क्रूड ऑयल आपका 75 से लेके 73 के एरिया में मूव कर सकता है, इस वक्त $75.83 के पास परफॉर्म कर रहा है, 77 स्टॉप लॉस है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड देखा जाए तो इस वक्त जो गोल्ड में इजाफा हुआ है तकरीबन अगर देखा जाए तो गोल्ड परफॉर्म कर रहा है 1900 यानी कि देखिए $78 के पास, और जबकि सिल्वर परफॉर्म कर रहा है $25.35 के पास परफॉर्म कर रहा है, यानी गोल्ड सिल्वर आपके यानी कि डिक्लाइन कर सकते हैं और इनमें हम यानी कि गिरावट की तरफ जा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि गोल्ड सिल्वर में सेल करें। डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, अब स्ट्रांग होने की न्यूज आ रही है और डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो 45,555 हमारा इमीडिएट यानी कि रेजिस्टेंस लेवल होगा, इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 45,225 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट वीकली बेसिस पे 249 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है, क्लोजिंग आनी चाहिए 45,149, और जबकि साल के हिसाब से देखें तो 2400 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है।
यानी कि ओवरबोट है अब तक मार्केट, 2400 पॉइंट ओवरबोट है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से मार्केट की पोजीशन देखें, देखिए कल की पोजीशन में वाजे बताया गया था कि मार्केट जो है अपना यानी कि पॉजिटिव जो नेगेटिव ट्रेंड था उसको यानी कि क्लोज कर चुकी है और मार्केट अपने लो से दूर हो चुकी है। आज अच्छा साइन ये था कि मार्केट ने जो कल का हाई था उसको ब्रेक कर दिया और मार्केट हाई के पास जाके क्लोज हो गया। कल भी यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो 45,000 जैसे 450-55 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट एक न्यू हाई की तरफ होगी, 45,500 से लेके 800 की तरफ, 900 की तरफ यानी मूव कर सकती है। इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल होगा, जो स्टॉप लॉस होगा 45,000 देखा जाए तो 150 का लेवल स्टॉप लॉस होगा। अगर 45,150 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट का जो व्यू है वो तेजी का, मार्केट अपसाइड की तरफ है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट इंट्राडे में यानी करेक्ट होते रहे, ओवरबोट होते रहे और ओवरसोल्ड होते रहे और फाइनली मार्केट आपकी जो इस वक्त जो पोजीशन बन रही है मोमेंटम के हिसाब से तेजी का ट्रेंड बन रहा है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए 4 दिनों की मुसलसल मंदी के बाद आज पांचवें दिन हमने देखा कि मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और अच्छी क्लोजिंग दी है। इसके अलावा टेक्निकली मार्केट के अंदर जो एक हाई लग चुका था 46,000, मार्केट अब एक नया हाई रख सकती है, इससे जायद का हाई रख सकती है, लाइक 47,000 यानी कि अगर मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक कर देती है, जैसे कि 46,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो मार्केट 47 से लेकर 49,000 का भी हाई रख सकती है, लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस लाजमी होगा। स्टॉप लॉस में आपके पास 44,800 का लेवल, अगर 44,800 का लेवल मेंटेन रहा तो इंडेक्स 46,000 से लेकर 49,000 तक भी मूव हो सकता है, ये ध्यान में रखना है अपने। तो आज के दिन काफी बेहतर क्लोजिंग रही है और कल भी एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कल वीक का लास्ट डे होगा, उस हिसाब से 2 सेशन होंगे और उसमें भी मार्केट आपकी थोड़ा हायर पे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकती है, साथ साथ आप प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहें और अच्छे स्टॉक्स में एक्युमुलेशन करते रहें। सर्कुलर डेट के हवाले से बात हो रही है कि यानी कि सर्कुलर डेट को कम करने के हवाले से आज ECC की मीटिंग भी थी और दूसरे मामला भी थे, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि सर्कुलर डेट से जो रिलेटेड स्टॉक है परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आज कल के दिन भी ऑयल सेक्टर परफॉर्म करेगा जिसमें OGDC PPL टॉप पर है, इसके अलावा PSO यानी PSO SNGP टॉप पर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि देखा जाए तो आपका शेल पाकिस्तान में मुसलसल अपसाइड इसलिए क्योंकि ब्रेकआउट लेवल हुआ है और 140 अब नेक्स्ट टारगेट है, अगर 140 का लेवल सस्टेन हो जाएगा तो 170 तक मूव करेगा शेल पाकिस्तान। स्टॉप लॉस में आपने स्टॉप लॉस रखना है 130 का लेवल, अगर 130 ब्रेक हो जाए तो फिर इसमें आपने यानी कि तेजी नहीं करनी है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे स्टॉक्स में अगर नजर डालें तो कल के दिन यानी कि सीमेंट सेक्टर अब भी परफॉर्म कर सकता है, लास्ट 2 डेज हम सीमेंट सेक्टर के बारे में बता रहे थे कि एक्यूमुलेट करें, सीमेंट सेक्टर ओवरसोल्ड हो चुका है, आज हमने देखा कि उसमें तेजी भी हुई जिसमें पायनियर बढ़ा, जिसमें चिराट सीमेंट चला, मैपलिफ्ट चला, दूसरे भी सीमेंट आपके परफॉर्म करते हुए नजर आए, तो सीमेंट सेक्टर रैली कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड नंबर पे स्टील सेक्टर में रैली बन सकती है क्योंकि 12 रुपए डिस्काउंट कर चुका था इंटरनेशनल इंडस्ट्री, अब इसमें मूव बन रही है अपसाइड की, मुगल काफी पॉजिटिव है, ऑक्टोपस आपका बेहतर चल सकता है, ऑक्टोपस में वॉल्यूम यानी कि हम पोजीशन ले सकते हैं, सरले में एक अच्छी मूव बन सकती है। बाकी छोटे स्क्रिप्ट में अगर हम देखें तो इनमें एक्यूमुलेशन जारी है जिसमें TPLP है, टेलीकार्ड है, WTL है, इसके अलावा अगर हम देखें पार्क इलेक्ट्रॉन है, GL है, इमेज है, दीवार फारूक मोटर है, इनमें एक्यूमुलेशन हो रही है। और अगर हम यानी कि एबनॉर्मल स्टॉक्स में देखें जो हाईली ओवरबोट हो चुके हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो शॉर्ट सेल भी ज्यादा है, जैसे कि यूनिटी में शॉर्ट सेल बहुत ज्यादा लगी हुई है और एबनॉर्मल मूव कर रहा है, इसमें बाइंग ना करें बढ़ चढ़ कर क्योंकि अग्रेसिव हो चुका है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है और यानी कि हाईली 85% ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जो शॉर्ट सेल में जो लोग इसमें स्टक हो चुके हैं वो कोशिश ये करें कि थोड़ी सी पोजीशन या तो थोड़ी कम कर सकते हैं या थोड़ी सी यानी पोजीशन थोड़ी सी अमाउंट यानी कि ऐड करके अपना यानी कि थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है ये। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल और स्पेशल कॉल दी जा रही होती है, आज हमने कुछ कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए और इंडेक्स के टारगेट्स के बारे में बताया गया। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।